हाय गाइस, यू आर वॉचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, बिकॉज यहाँ आपको मिलने वाली है आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। फिल स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कावेरी मनीषा से कहती है तुम जाओ और अभीरा से कहती है कि तुम्हारा ये जो मिसबिहेवियर है ना, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मीनवाइल अरमान यहाँ पर अभीरा से आर्ग्यू करता है, गुस्से में कहता है कि बस मैंने कहा ना शांत हो जा, मैं कुछ करना नहीं चाहता। तभी यहां पर वो देखता है रूही को, वो वहां खड़ी है और उससे कहता है कि तुम अपनी सेरेमनी हमारे लिए या अभीरा की वजह से बर्बाद मत करो, क्योंकि वो किसी की परवाह नहीं करती। यहाँ पर दिखाया जाएगा अरमान जा रहा है, रूही अभीरा से कहती है कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो रिवर्स्ड है, आखिर तुम कैसा फील करती हो। अरमान नीचे नहीं आएगा तुम्हारे लिए फैमिली के सामने या फैमिली का कोई मेंबर। तभी वो उससे कहती है कि अरमान ने अपना प्रॉमिस निभाया है, मेरी माँ के हाथ में हाथ रखा था, इसीलिए मैं अरमान जी के लिए सिर्फ अच्छा सोच सकती हूँ। तभी रूही कहती है लेकिन अरमान ने तुम्हारी माँ को वादा दिया है, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या तुम उसके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती। इन द मीनवाइल विद्या अरमान से कहती है अभीरा के बारे में। तभी रोहित मनीषा से कहता है कि थोड़ा सा और फन लाते हैं इस बोरिंग सेरेमनी में और वेट करते हैं अभीरा और रूही का। इधर अभीरा बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है अरमान के लिए और वो रूही से कहती है कि ठीक है मैं जाऊंगी नीचे। अभीरा को जाएगी अरमान को मनाने। अभीरा रियलाइज़ करती है कि यहाँ पर कोई पेटीकोटी नहीं है, साड़ी वो पहने तो पहने कैसे, इसीलिए वो जीन्स पहन लेती है और उसके ऊपर साड़ी पहन लेती है यूट्यूब देख कर के। मीनवाइल जो विद्या और बाकी अदर औरतें हैं वो डांस करती हैं, ट्रेडिशनल फोक डांस करती हैं। तभी अरमान यहाँ पर कावेरी से माफ़ी मांगने ही वाला होता है, तभी वो रूही को भेज देता है अभीरा को देखने के लिए कि वो आ रही है या नहीं, और रूही उसे नीचे लेकर आती है। अभीरा स्लिप होने वाली ही होती है, तभी अरमान उसको पकड़ लेता है हाथ से और रूही सिर्फ उसको बुरी से देखती रहती है क्योंकि उसे बुरा लगता है। तभी कोई उन्हें बेस्ट कपल बुलाता है, लेकिन कावेरी कहती है रूही तारीफ तो तुम्हारी होनी चाहिए। थोड़े टाइम के बाद दोनों ब्राइड्स यहाँ पर सेलेक्ट करी जाती हैं, कैसे दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। तभी कोई रूही को ज़्यादा खूबसूरत बताता है, कोई अभीरा को, और तभी यहाँ पर अभीरा थोड़ी ऑफेंडेड हो जाती है। अरमान जाता है और तभी वो संजय को कॉल करता है और कमेंट करता है अभीरा की जो फैमिली है और उसका मजाक बनाता है अक्षरा का। अभीरा यहाँ पर कुछ कहने वाली ही होती है, रिएक्ट करने वाली होती है, तभी अरमान इंटरप्ट करता है और कहता है कि बस काम डाउन। बाद में विद्या आती है और उनको बुलाती है अगली रस्म के लिए, और तभी उन्हें वो जो दूध में अंगूठी ढूंढनी होती है वो रस्म करनी होती है। मीनवाइल रूही को रिंग मिल जाती है, रोहित टेंस हो जाता है कि अब वो रूही का गुलाम बन जाएगा। माधव और विद्या तभी यहाँ पर अरमान और अभीरा को भी रिचुअल स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। अभीरा को रिंग मिल जाती है और वो अरमान को दे देती है, जिसकी वजह से अरमान सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसे नहीं देख सकता। तभी अभीरा कहती है और मैं भी आपकी फैमिली को अपसेट नहीं देख सकती। तभी विद्या इंट्रोड्यूस करती है रिचुअल को, बाइंडिंग टर्बन के, यानी कि कौन सबसे पहले अपने हस्बैंड की सर पर पगड़ी बांधेगी वो जीतेगी। और कावेरी यहाँ पर रिकॉर्ड होल्डर है, यानी कि जो दादी सा है उनके पास रिकॉर्ड होता है फास्टेस्ट टर्बन बांधने का। कावेरी रूही से कहती है कि मैं चाहूँगी कि तुम मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करो। थोड़े टाइम के बाद वो पगड़ी बांधना शुरू करते हैं और सब अपने अपने पतियों की पगड़ी बांधते हैं। अरमान सरप्राइज हो जाता है अभीरा को देखकर कि वो 2 मिनट में पगड़ी बांध देती है, और एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बांधती है। अभीरा एक्साइटेडली वो कहती है कि मैंने कर लिया। अक्षरा कहती है, यहाँ पर वो कहती है कि हाँ जो माँ थी ना वो 100 टर्बन्स ईजिली बांध लेती थी। तभी सब सैड हो जाते हैं कि अब अक्षरा नहीं है, लेकिन वो अरमान को डांटती है और वो कहती है कि तुम ऐसे टाइम पर मुझे मामा की याद मत दिलाओ वरना मैं बहुत सैड हो जाऊँगी। और वो भी यहाँ पर कावेरी कहती है कि हाँ तुम्हें भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था, लेकिन रूही तुम नहीं तोड़ पाई।
इधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण डिक्लेयर करता है कि अभीरा विनर है। कावेरी कहती है कि हाँ तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वेरी गुड। और रूही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि जिस तरीके से कॉम्पिटिशन लेवल बाय लेवल हार्ड हो रहा है उसके बाद आखिर कैसे होगा। वेल, अपकमिंग ट्रैक में वही दिखाया जाएगा कि बेचारी रूही और अभीरा डांस कर रहे होंगे और डांस करते करते अभीरा की साड़ी खुल जाएगी, जिसे देखकर दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। अब बेचारी अभीरा, जिसने साड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाया, वो जीन्स के ऊपर साड़ी पहन कर आई है, अब ऐसे में साड़ी खुलना तो लाजमी था। क्या करेगी अब अभीरा दादी को खुश करने के लिए, देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।